नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद निकुंज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे 14 अगस्त 2019 से रिलेटेड जो भी करंट मुद्दे हैं, इसके ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, अभी हाल ही में आपको पता है धारा 370 से संबंधित, जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दे चर्चा में हैं बहुत ज़्यादा। तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में जो अभी 7 केंद्र शासित प्रदेश है उनसे बढ़कर 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। उसके साथ ही और ये जो 29 राज्य हैं उनसे घटकर 28 राज्य हो जाएंगे। ये कब से होगा? 31 अक्टूबर से। तो ये 31 अक्टूबर 2019 को ये डेट क्यों डिसाइड की गई? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है, जिन्होंने एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उनकी जयंती है। तो उनके जन्म दिवस पे एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि उपहार स्वरूप उनको ये एक तरह से हमने 31 अक्टूबर के रूप में ये मनाया गया। पूरा भारत एक हो गया, जो पहले अदर स्टेट में जो नियम लागू होते थे वही अब जम्मू कश्मीर में भी होंगे। अब जम्मू कश्मीर में थोड़ा अलग कर दिया गया, जैसे दिल्ली पुदुचेरी के साथ जो वहां पे विधानसभा है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। देखिएगा, आगे बात करते हैं। एयरलाइन जो भारत की पहली ऐसी एयरलाइंस बन गई है जो उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली है, वो उस एयरलाइन का कौन सा नाम है? तो उसका नाम है एयर इंडिया। कौन सी है? एयर इंडिया नाम है। अब एयर इंडिया नाम है तो एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। और इसका एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और एयर इंडिया के वर्तमान में अश्विनी लोहानी इसके अध्यक्ष है। और एयर इंडिया के जो अध्यक्ष है वर्तमान में अश्विनी लोहानी, इससे पहले ये रेलवे के अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय रेलवे है उसके अध्यक्ष है विनोद कुमार, और विनोद कुमार यादव उनका पूरा नाम है। और अभी वर्तमान में जो रेल मंत्री है उनका नाम क्या है? पीयूष गोयल। देखिए, एनकास ने अभी हाल ही में भारत में पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम है फ्रीडम कार्ड लॉन्च किया है। तो ये किसने किया अभी हाल ही में? एनकास ने किया है। इसके आगे बात करते हैं। देखना, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमारे भारत के, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर जी है। उन्होंने देशभक्ति गीत लॉन्च किया है, उस गीत का नाम है वतन। क्या नाम है? वतन नाम है, देशभक्ति गीत है। ये लॉन्च किसने किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। अब इस गीत को गाया किसने? इस गीत को गाया जावेद अली ने। किसने? जावेद अली ने इस गीत को गाया है। और इस गीत को लिखा आलोक कुमार श्रीवास्तव ने। किसने? आलोक कुमार श्रीवास्तव ने इसको लिखा है। और इसको जो बनाया है या इसको जो प्रसारित करने का कार्य कर रहा है, वो कर रहा है दूरदर्शन। जो अब दूरदर्शन चर्चा में आ जाता है, तो दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1959 को दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। और दूरदर्शन का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में ही है। देखिए, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जो भी 4 वर्ष या 4 वर्ष से अधिक के जो भी बच्चे होंगे उनको हेड गियर उनके लिए अनिवार्य कर दिया है। अब ये हेड गियर क्या होता है? हेलमेट को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? हेलमेट को ही कहते हैं। ये केंद्र सरकार ने लागू कर दिया। जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है उसमें संशोधन किया गया है। और इसके साथ ही इसकी जो मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 है, इसकी जो धारा है 129, उनमें जो विशेष जो समुदाय हैं जैसे सिख वगैरह जो यहाँ पे पगड़ी वगैरह बांधते हैं, उनको इससे छूट दी गई है धारा 129 के तहत। आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में जो कांगो गणराज्य देश है उसमें भारत का जो राजदूत नियुक्त किया गया है, वो किया गया छोटू राम मीणा को। किसको? नहीं, सॉरी, घोटू राम मीणा को। किसे? घोटू राम मीणा को अभी हाल ही में कांगो गणराज्य का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अब कांगो का नियुक्त किया गया, कांगो गणराज्य का, तो कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राजीरोला। क्या नाम? ब्राजीविले है। और यहाँ की जो मुद्रा है यहाँ पे फ्रेंक चलती है। और कांगो गणराज्य के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो डीएस न्यूशु है। देखिए, आगे बात करते हैं। मोटर स्पोर्ट वर्ल्ड कप को अभी जीतने वाली प्रथम भारतीय जो महिला बनी उनका नाम है ऐश्वर्या पिस्से। क्या नाम है? ऐश्वर्या पिस्से। देखिए, जो ग्वाटामाला देश है उसमें अभी इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया गया, वो किसे बनाया गया? अलेजांद्रो जियामोटाई को। किसको? अलेजांद्रो जियामोटाई को बनाया गया है। अब बात करते हैं कहाँ पे बनाया गया? ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला जो कि एक उत्तरी अमेरिका का देश है, ग्वाटेमाला की जो राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। और यहाँ की जो मुद्रा चलती क्यूकेज चलती है। और इन्होंने किसको हरा के जीता है? तो इन्होंने सैंड्रा टोरेस। किसको? सैंड्रा टोरेस। और इन दोनों के बीच में आपस में टकराव था और इन दोनों ने जीता है। इससे पहले ग्वाटेमाला जो देश है उसके कौन थे प्रधानमंत्री, सॉरी प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट कौन थे? जिमी मोरालेस। कौन थे? जिमी मोरालेस थे। आगे बात करते हैं।
देखिए, जो श्रीदेवी गर्ल्स वुमन सुपर स्टार नामक एक पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी? सत्यार्थ नायक ने। किसने? सत्यार्थ नायक ने लिखी। कई बार ऐसी पुस्तकों का नाम आता है और उधर राइटर का नाम आ जाता है, तो इनका आपको याद रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रीदेवी गर्ल्स वुमन सुपर स्टार नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये इसके लेखक कौन है? सत्यार्थ नायक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जो कंपनी ने अपना अभी हाल ही में ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, उसका नाम है हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम, हारमोनी ओएस के नाम से इसे जाना जाता है। इसी प्रकार जैसे गूगल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड जो सिस्टम है वो किसका? गूगल का है। एप्पल का भी आईओएस है और नोकिया का विंडोज सपोर्टेड है और ओप्पो का कलर्स ओएस यही है। देखिए आगे बात करते हैं, गुजरात और रूस, गुजरात राज्य है उसके और रूस देश है उसके मध्य भी समझौता हुआ, हुआ तो भारत और रूस के मध्य है लेकिन गुजरात राज्य को लेके हुआ है। और किस बात को लेके हुआ? हीरा के प्रसंस्करण यानी कि जो पॉलिश वगैरह होती है उसको लेकर एक समझौता हुआ है। अब समझौता रूस और गुजरात के मध्य हुआ है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या? गांधीनगर। गुजरात के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है वो विजय रूपाणी है। गुजरात के जो वर्तमान में गवर्नर है अभी आचार्य देवव्रत है, ये अभी पहले इससे पहले यहाँ पे ओपी कोहली थे लेकिन वहाँ से इनका ट्रांसफर कर किया गया, जहाँ पहले जो आचार्य देवव्रत जी हिमाचल प्रदेश के हुआ करते थे लेकिन अभी वर्तमान में गुजरात के ये गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में जो लोकसभा की सीटें है वो 26 है, राज्यसभा की 11 है और विधानसभा की 182 है। गुजरात के जो राष्ट्रीय पशु की बात करते हो, अगर राज्य पशु क्या है गुजरात का, तो एशियाई शेर है। और गुजरात का जो राज्य वृक्ष है वो है आम। देखिए अराफत का निधन हो गया, ये कौन थे? एक प्रतिष्ठित म्यूजिक। और इसके अलावा रूस चर्चा में आ जाता है, रूस के बारे में देख लेते हैं। रूस की राजधानी मास्को, रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा नाम से जाना जाता है। रूस के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री उनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। देखिए रिबॉक कंपनी ने अभी हाल ही में फिटनेस एंड लाइफ स्टाइल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया वरुण धवन को। किसे? वरुण धवन को चुन लिया गया ब्रांड एम्बेसडर। अब आपको जितने भी 2019 में ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं उनका कमेंट्स करके बताना किस किस कंपनी का कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए जो पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, इन्होंने अभी हाल ही में, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो इन्होंने राजस्थान राज्यसभा से इनका नामांकन किया गया। 13 अगस्त को इन्होंने नामांकन भरा है। अब मनमोहन जो जी रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और इन्होंने क्योंकि राजस्थान में एक सीट खाली चल रही है, मदन लाल जी सैनी का जो निधन हो गया था उसके बाद में राजस्थान में राज्यसभा की सीट खाली चल रही थी, इसलिए इस पर वापस इन्होंने अपना नामांकन भर दिया। देखिए जो मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे 2004 से लेकर 2014 तक, इसके बीच में इनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन राष्ट्रपति रहे, तो इनके टाइम देखिए APJ अब्दुल कलाम जी है वो राष्ट्रपति रहे हैं, उनके बाद में प्रतिभा पाटिल वो भी रही है, और उनके बाद में प्रणब मुखर्जी भी इनके समय राष्ट्रपति रहे हैं। आगे बात करते हैं, कंचन खटाना जो कि जयपुर की रहने वाली, इसे अभी हाल ही में मिस राजस्थान का खिताब इन्होंने जीत लिया है। चंद्रिका शाह को अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेदमी की अध्यक्ष चुना गया है। 15 अगस्त को राज्य स्तर यानी कि राजस्थान का जो राज्य स्तरीय समारोह होगा वो कहां पर होगा? जयपुर में। इसमें जो बारा जेल के डिप्टी जेलर हैं उनका नाम है करण सिंह सक्तावत, उनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है जो किसी जेलर को राष्ट्रपति सम्मान मिल रहा है, तो क्यों उनको मिल रहा है? करण सिंह सक्तावत को, इम्पोर्टेंट हो जाता है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए।